इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। एक बयान में कि उनका कहना था कि कोशिश और मेहनत के बावजूद इंतखाबात में कामयाबी न दिलवा सका। अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक ने अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया है। सईद लोधी से तफसीलात जानेंगे। सईद लोधी, बताइएगा, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान भी मुस्ताफी हो गए? जी, जहांगीर तरीन के बाद जो है एक और पार्टी के जो सरबराह हैं सिराज उल हक, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इंतखाबात के जो नतायज में जो है जमात इस्लामी की नाकामी का इतराफ करते हुए जो है ये इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि मैंने और कारकुनों ने भरपूर जो है वो मेहनत की सिलेक्शन के अंदर, लेकिन हम वो नतायज पार्टी को नहीं दिला सके जो जिसकी जो है पार्टी जो है वो जो उम्मीद कर रही थी। इस हवाले से उन्होंने फौरी तौर पर जो है अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद जो 17 फरवरी को मंसूरा के अंदर एक अहम इजलास जो है तलब कर लिया गया, जिसमें जो है उनके इस्तीफे के बाद की सूरत हाल के ऊपर जो गौर किया जाएगा। और 31 को जो है ये जो है तमाम मामलात का मजीद जायजा दिया जाएगा। और 17 फरवरी को मंसूरे में अहम इजलास तलब किया गया है। अब जो है वो उन्होंने अपना तहरीरी इस्तीफा दिया है, सिराज उल हक ने जो है वो पहुंचा दिया है, और अब वो जो है अपनी जो अमीर के ओहदे से जो है मुस्ताफी हो गए। जी अच्छा, ये बताइएगा कि मजमू तौर पर जमात का एक मंशूर होता है, एक तरीक़ेकार होता है जिसके तहत जो सदर चुना जाता है, तो उस हवाले से इस्तीफा क्या एक्सेप्ट हो गया है उनका? जी, उनका इस्तीफा जो है ये शूरा के पास जाएगा और शूरा जो है इसको जो है वो मंजूर करने ना करने का फैसला करेगी। बहरहाल उनका तहरीर तौर पर इस्तीफा जो है मंसूरा के अंदर जो है वो शूरा को मौसूल हो गया, इसके ऊपर जो है वो गौर किया जाएगा, उसके बाद जो है ये फैसला किया जाएगा। लेकिन जो है सदारत से जो अपनी जो अमीर की जो है वो सीट से जो है वो मुस्ताफी हो गए हैं, जिसके हवाले से जो है वो 17 फरवरी को मंसूरा के अंदर जमात इस्लामी का जो है अहम इजलास जो है तलब किया गया, जिसमें उनके इस्तीफे की बात की सूरत हाल पर जो है गौर किया जाएगा। अच्छा, ये भी बताइएगा सईद लोधी, क्या कहना था सिराज उल हक के, कौन कौन सी अहम वजूहात हैं, क्योंकि इंतखाबात तो पहले भी नहीं जीती थी जमात इस्लामी, लेकिन इस दफा ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने मुसाफी होने का फैसला किया? जी, बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर जो है जमात इस्लामी के साबिक अमीर सिराज उल हक से ये सवाल किया गया कि हमेशा जो है जमात इस्लामी किसी ना किसी जमात के साथ इत्तेहाद करके जो है पार्लियामेंट के अंदर पहुंचने में कामयाब हुई है, तो क्या आप इस इलेक्शन के अंदर भी जो है किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे? तो उन्होंने हमेशा जो इस बात से इनकार किया। उनका यह कहना था कि जमात इस्लामी अपने मंशूर के ऊपर इंडिपेंडेंट जो है इलेक्शन लड़ेगी और यहीं से जो है इसी मंशूर के तहत जो है अपनी इंफरादी हैसियत के अंदर जो है वो इलेक्शन के अंदर कामयाबी हासिल करेगी। लेकिन वो अपना दावा ये पूरा नहीं कर सके और जमात इस्लामी को बुरी तरह जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा और उनको जो है वो खुद अपनी सीट जो है कबाइली केपीके से जो अपनी सीट खुद भी हार गए, जिसके बाद जो है उन्होंने जो है। शुक्रिया सईद लोधी, आपने इस खबर से आगाह किया।